नमस्कार, पारा शिक्षक समाचार में आपका स्वागत है। पारा शिक्षकों की नौकरी अब 60 वर्ष। प्रमुख संवाददाता रांची द्वारा प्रभात खबर अखबार में ये खबर छपी है। राज्य के पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्वीकृति दे दी है। पारा शिक्षकों को 5200 से 20000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। राज्य की पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्वीकृति दे दी है। नियमावली में पारा शिक्षकों की सेवा स्थायीकरण व मानदेय संतुल वेतनमान देने का प्रावधान किया गया है। पारा शिक्षक अब 60 वर्ष की उम्र तक अपनी सेवा दे सकेंगे। उन्हें 5200 से 20000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों को वेतनमान पाने के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा में लगभग 13000 पारा शिक्षक सफल हुए हैं। शेष शिक्षकों के लिए परीक्षा का स्वरूप क्या हो, इसके लिए विधि विभाग से राय ली जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में असफल रहे पारा शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा का ही प्रावधान रखा जाए या अलग से परीक्षा ली जाए, इस पर अंतिम निर्णय विभाग के परामर्श के बाद लिया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति में सिर्फ बिहारी शिक्षक बहाल होंगे। जब बिहार में बिहार के शिक्षक हो सकते हैं तो फिर झारखंड में झारखंडी शिक्षक क्यों नहीं हो सकते। इस बात को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गुरुवार को कही। उन्होंने कहा कि झारखंडियों को इस राज्य में पहला हक मिलना चाहिए। झारखंड में पूर्व की रघुवर सरकार के कार्यकाल में हुई शिक्षक नियुक्ति में बाहरी राज्यों के करीब 75% लोग शामिल हो गए थे। तो इस प्रकार से लगातार पारा टीचर से जुड़े अपडेट के लिए अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।